हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ जिन छात्रों का आईटीआई का परीक्षा नहीं हुआ है या फिर जिन छात्रों का आईटीआई का परीक्षा हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है बट वो आईटीआई में फेल हो चुके हैं। और यहाँ पर ऐसे भी छात्र हैं जिनका आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिनका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है बट उनका रिजल्ट में 0 मार्क्स दिखा रहा है, उनका आईटीआई में बैक लग चुका है। तो उनका परीक्षा कब होगा या फिर उनको प्रमोट किया जाएगा? और यहाँ पर आप लोगों का जितने भी छात्र आईटीआई बैक परीक्षा के हैं उनका परीक्षा होगा या फिर उनको प्रमोट किया जाएगा? तो यहाँ पर फाइनली एक लेटर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो छात्र फेल हुए हैं और जिनका परीक्षा नहीं हुआ है उनको यहाँ पर प्रमोट करने का भी मांग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल बैक परीक्षा से हैं सभी लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना है। और साथ में जितने भी छात्रों का परीक्षा नहीं हुआ है, जो छात्र फेल हैं या फिर जिनका बैक लगा हुआ है, उन्हें वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैं आज पूरी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप लोग इसे फटाफट एक लाइक करिए। साथ में हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे एक लाल बटन दिखा सब्सक्राइब वाला, आप लोगों को उसे दबाना है और साथ में बेल घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का आईटीआई का कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट, चाहे आप लोगों का गवर्नमेंटेड जॉब या फिर कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर कोई भी ईटीसी फॉर्म आईटीआई से रिलेटेड आप लोगों का आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो आप लोगों को आईटीआई की पूरी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मालूम हो जाए, इसके वजह से आप लोग आईटीआई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को ऑल पर प्रेस करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग। यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा जो कि यहाँ पर देख पाए आप लोगों का 20/6/2021 यानी 20 जून 2021 का आप लोगों का फाइनली आप लोगों का न्यूज पेपर है यानी कल का है। इसमें आप लोग देख पा रहे दैनिक भास्कर का आप लोगों का न्यूज पेपर है। इसमें बताया गया है कि आप लोगों का जितने भी छात्र यहाँ पर देख पा रहे हैं छात्रों ने कि जनरल प्रमोशन की मांग। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छात्रों का परीक्षा नहीं हो रहा है कोविड-19 की वजह से वो छात्र यहाँ पर प्रमोशन का मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर 10वीं और 12वीं को प्रमोट किया गया सभी स्टेट में, वैसे भी आईटीआई छात्रों को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए ये कोरबा का न्यूज पेपर है, इसमें दिया गया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना कारणों की वजह से परीक्षा नहीं हो पाने को देखते हुए सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देने या ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। एससीबीटी आईटीआई के सभी छात्रों ने कलेक्टर को पत्र देकर कहा है कि वे सत्र 2017 से 2019, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2017 से लेकर 2019 से आईटीआई एससीबीटी के छात्र हैं, उनकी बैक परीक्षा 23 मई 2020 से 30 मई 2020 तक होनी थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दिया गया था। बाकी संस्थानों में छात्रों को प्रमोट कर या फिर अन्य प्रक्रिया से उत्तीर्ण कर दिया जाए लेकिन एससीबीटी के छात्र पिछले वर्ष 2 वर्ष से कोई भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और ना ही अप्रेंटिसशिप कर पा रहे हैं। इस परेशानी को देखते हुए छात्रों ने मांग रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी छात्रों का आईटीआई बैक परीक्षा है या फिर जिनका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है या फिर जिन छात्रों का परीक्षा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उनमें बैक लगा हुआ है, तो ऐसे छात्र हैं तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि सर आईटीआई छात्रों को प्रमोशन दिया जाए। जैसे यहाँ पर आईटीआई को नहीं लेकिन यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन हो गए और 10th 12th हो गए, जैसे ही लोग को प्रमोशन दिया जा रहा है वैसे ही आईटीआई वालों को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो आपका कोविड-19 है ये सभी लोगों के लिए है। तो यहाँ पर जो आपका पढ़ाई भी है वो सभी लोगों का नुकसान हुआ है। तो आईटीआई वाले भी काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि इन लोग का जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनका जो अप्रेंटिसशिप करने का एज होता है वो 24 ही होता है। तो यहाँ पर ये सब जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं ये ना तो कोई फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही अप्रेंटिस कर पा रहे हैं, इसलिए इनका भविष्य भी यहाँ पर खराब हो रहा है। तो इसलिए आईटीआई छात्र एक साथ एकजुट होकर हिम्मत बांध कर यहाँ पर अपना जो कलेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको पत्र सौंपा है कि आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको प्रमोट किया जाए।